ज्ञान इंस्टीट्यूट। ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं सैलेन जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का लेक्चर है घातांक नियम पर आधारित प्रश्न। ये कोई क्लास के लिए नहीं है, ये सभी बच्चों के लिए है। क्या होता है जब हम गणित पढ़ते हैं या गणित के सवाल हल करते हैं, तो उस समय क्या होता है, कई सवाल को हम स्टार्टिंग से कर लेते, बीच में कैलकुलेशन आ जाती है तो हम फंस जाते हैं और फिर वहां से हम सवाल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आज का लेक्चर उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो बीच में कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। आज का अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपसे हम कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में कि आपको घातांक से संबंधित जितनी भी कैलकुलेशन है समस्या बिल्कुल भी ना हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन का छात्र हो, चाहे 11th 12th हो, चाहे 9th हो, कोई भी कक्षा हो, ये कोई विशेष कक्षा के लिए नहीं है, ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए। तो शुरुआत करते हैं घातांक में कि किसी की घात अगर 0 लग जाए, पहला नियम हम आपको बता रहे हैं, किसी की घात अगर 0 लगती है, जैसे हम बात करते हैं 98 की पावर 0, तो इसका मान कितना होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 0 मत लिख के आना, किसी की भी घात अगर 0 लगती है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं और उसमें अगर घात 0 लग गई है किसी भी अंक की, तो उसका मान 1 होता है, ये चीज ध्यान रखना है, पहला नियम, ठीक है, सबको याद रहेगा। दूसरा नियम ये है आपका, घात अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा नियम क्या है, आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। कैसे, जैसे x की घात 1/2 और x की घात 3/2, x की घात 1/2 और x की घात 3/2, तो देखो आधार समान है और बीच में काय का चिन्ह लगा है गुणा का, तो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1/2 प्लस क्या हो जाएगा, 3/2, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3 और 1 4/2, मतलब क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जब भी सवाल कर रहे हैं कैलकुलेशन आ रही है तो उस समय आधार समान दिखे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, ये दूसरा नियम है घातांक का। अब तीसरा नियम, दूसरा हो गया, अब तीसरा नियम की बात करते हैं, तो आधार अगर समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ पे y की घात 5 है और यहाँ y की घात 2 है, तो आधार समान है दोनों के, तो भाग का चिन्ह लगा है तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। तो 5 में से कितनी घात घट जाएंगी, 2, तो 5 में से 2 चली गई तो कितनी घात बचेंगी, 3 घात बची रहेंगी, तो y की घात कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। तो 3 नियम तो बिल्कुल हर जगह लगते रहते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आधार समानों और भाग में घातें घट जाती हैं, और किसी की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। अगला नियम जो है वो आपको याद रखना है कि अगर कभी भी अंडर रूट लगा है और यहाँ पे कोई घात नहीं दिया है तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है x की घात कितनी, 1/2, और अगर करनी घात 3 दी है तो इसका मतलब x की घात 1/3, और अगर करनी घात 4 दी है तो इसका मतलब x की घात 1/4, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, संविदा वर्ग 3 होना है, ये छोटी छोटी बातें तो हैं, उसमें गणित आनी है वर्ग 3 में,
तो वहां भी ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उस समय ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग में ये चीजें सेट कर लें, ठीक है। तो और कैसे पूछ लिए जाते हैं आपके, अपन क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ले लिया, कैलकुलेशन कर रहे हैं 8 की घात 2/3, 8 की घात 2/3 का मान कितना होगा, तो 8 की घात 2/3 का मान, अब बैठे हैं सर जी कैसे करें सॉल्व, 8 की घात 2/3, तो 8 की घात 2/3 आपको बिल्कुल नहीं करना है, इनके आप गुणनखंड कर लो, अभाज्य गुणनखंड 8 के, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 का भाग दे दो 8 में, तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 8 के गुणनखंड क्या हो गया, 2 × 2 × 2, मतलब 2 की घात कितने लिख सकते हो, 8 को 2 की घात 3, और ये जो घात है वो गुणा में लिख दो 2/3, ठीक है। 8 की घात 2/3 को आप नहीं हल कर पा रहे, 8 के गुणनखंड कर लो आप, 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 आ गए, 2 की घात क्या लिख देंगे हम, 3, और इसकी घात कितनी दी थी, 2/3, तो ये 2/3 गुणा में 3 से 3 कट गए, 2 की घात कितनी हो गई, 2, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 2 को 2 बार गुणा कर दो, 2 बार गुणा करेंगे 2 × 2, तो 2 दूनी कितने हो गए 4, तो 8 की घात 2/3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बीच में कैलकुलेशन आए तो हम कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया 64 की घात 1/3 का मान कितना होगा, 64 की घात 1/3, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको क्या कह दिया है, अभाज्य गुणनखंड कर लो 64 के, तो 2 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 1 बचा 12 हो गया, 2 छक्के 12, फिर 2 का भाग 2 8 16, फिर 2 का भाग 2 चौके 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2 एकम 2, कब तक करते रहना है, जब तक अंत में 1 ना आ जाए, ठीक है। तो कितनी बार आ गया 64 का गुणनखंड, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार आ रहा है 6 बार, तो 2 की घात कितनी हो गई है, 2 की घात 6, और कितनी लिखी है 1/3, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 6 × 1/3, तो 3 × 2 = 6, तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से बिल्कुल सरलतम भाषा में बता रहे हैं हम आपको, कोई कठिन नहीं है, सीधा सीधा करना है आपको, गुणनखंड कर लो 2 की घात 6 और 1 की घात 1/3, 2 की घात 6 × 1/3, 3 × 2 = 6, 2 की घात 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और भी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, चलिए देखें अगला प्रश्न, तीसरा चौथा पांचवा छठवा एकाणी से संबंधित क्वेश्चन हो गया, ये आपका घातांकों से संबंधित क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन की कैसे करेंगे, जैसे अपन तीसरा ही क्वेश्चन की बात करें, 32 की घात 3/5, अब सर यहाँ ऐसा आ गया, अब इसको कैसे हल करें, तो इसको बिल्कुल आसान है, पहले 32 के आप क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, 32 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग जा रहा है 16 बार, फिर 2 का भाग देंगे 8 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 बार, फिर हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, मतलब कितना आ गया 1 2 3 4 5, मतलब 32 के मतलब क्या है 2 की घात 5, 32 के हमने गुणनखंड किए 2 की घात 5, और पहले से घात कितनी दी थी 3/5, तो अब इसको कैसे लिखेंगे 2 की घात 5 × 3/5, तो अब ये 5 से 5 कट जाएगा और 2 की घात कितनी हो जाएगी 3, क्लियर है ना। 32 के पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो वो क्या आ गया 2 की घात 5 और 3/5, तो 2 की घात 5 × 3/5 5 से 5 कट गए, तो 5 से 5 कट गए, तो 2 की घात कितनी आ गई है 3, अब 2 की घात 3 मतलब 6 नहीं लिख देना, कुछ लोग क्या लिख देते हैं 2 × 3, तो 2 × 3 क्या हो गए 2 × 3 = 6 कर देते, तो वो की गलत है, 2 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2, ये है, ठीक है, 6 मत लिख के आना,
बहुत से लोग छह कर देते तो दो की घात तीन मतलब दो बड़े दो बड़े दो, तो दो दूनी चार दूनी कितने हो गए आठ, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आठ हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी लोग, ध्यान से करना है। तो 32 की घात 3 बटे 5 का आंसर क्या आ गया है आपका 8 आ गया है। अब हम अभी तुरंत ही चौथा सवाल और कर ले रहे हैं। चौथा सवाल क्या है आपका, 16 की घात आपकी माइनस 1 बटे 2, 16 की घात माइनस 1 बटे 2, तो कैसे करेंगे अपन इसको ध्यान से करना। माइनस 1 बटे 2 तो इसको हम क्या करेंगे घात को नीचे ले जाएंगे, ये नया नियम है ध्यान रखना, माइनस में घात है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, नीचे की घात ऊपर में लाते हैं प्लस की तो माइनस में हो जाती है और माइनस की नीचे ले जाते हैं तो प्लस हो जाती है। तो 16 की घात माइनस 8 1 बटे 2 है, ये नीचे लाएंगे तो 1 बटे 16 की घात प्लस 1 बटे 2। ठीक है, आप इसके गुणनखंड कर लो, तो 16 के गुणनखंड करेंगे आप तो 2 की घात 4 आएगा, करके देख लेना आप लोग। ठीक है, आप लोग अब इतना काम तो कर सकते, 16 के गुणनखंड तो 2 की घात कितनी आ जाएगी 4, और इसके ऊपर घात कितने की दी है 1 बटे 2, तो अब इसका आंसर क्या होगा 1 बटे 2 की घात 4 गुणित 1 बटे 2। आप इसको हल कर लो, 1 बटे 2 दूनी कितने हो गए 4, तो 1 बटे 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया 4, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 1 बटे 4। कुछ नहीं है, 16 की घात माइनस 1 बटे 2 नीचे ले आए प्लस, 16 के गुणनखंड 2 की घात 4 1 बटे 2, 2 की घात 4 गुणित 1 बटे 2, 2 दूनी कितने हो गए 4, 2 की घात 2 तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 तो 2 दूनी कितने हो गए 4, तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 1 बटे 4। ठीक है, आ रहा होगा समझ में, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न तो बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है, पांचवा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, और जब डबल गुणा होता है तो क्या हो जाता है 5, और बचपन में बच्चों से ये भी कह दिया जाता है कि अगर वर्ग लगा है और अंडर रूट दिया दे कैंसिल हो जाता है 5 आ जाता। ठीक है, अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5 5, अंडर रूट 7 गुणे अंडर रूट 7 7, अंडर रूट 6 गुणे अंडर रूट 6 6। ठीक है, मतलब ये जैसी संख्याएं हैं तो अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये आपका पांचवा सवाल भी हो गया। अब देखते हैं छठवा सवाल, ध्यान से देखना, तो 1 बटे अंडर रूट 16 और कर्णी घात कितनी दी है 4, 1 बटे 16 की घात कर्णी घात कितनी दी है 4, तो 4 दी है तो इसका मतलब क्या हो गया 1 बटे 4, ध्यान रखना 16 की घात 1 बटे 4, अभी बताया था हमने पहले कि ऐसा लिखा हो तो उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 16 की घात 1 बटे 4, तो 1 बटे 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 4, क्योंकि 16 के गुणनखंड कर लो आप 2 की घात 4, और आपकी कितना दिया है 1 बटे 4 घात दी है तो 2 की घात 4 गुणे 1 बटे 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 1 बटे 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आपके हो चुके हैं, इन प्रश्नों में अगर कोई समस्या हो रही हो तो आपके आपके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया है उस कमेंट बॉक्स पे जाएं और जल्द से आप हमें कमेंट दे दें कि सर इन 6 वीडियो में से हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम जा रही है, तो हम आपके कमेंट का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। एक लड़की है संतोषी करके, ठीक है, वो वीडियो YouTube पे जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो देख रही है, तो इसको हमने बोला था अवार्ड भी मिल रहा है और क्या कहते हैं एक दिन एक वीडियो ऐसे ही बनाना है जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे रहा हूं जिनके राइट आंसर है वो क्या कहते हैं उनके नाम डिस्प्ले किए जाएंगे। अभी हमने एक नाम बताया संतोषी, वो आपका क्या कहते हैं सारे वीडियो देख रही है, बधाई हो संस्कृति संतोषी,
और एक प्रभात नामदेव है जो पूरे वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी बधाई हो। रौनक जैन, ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो पूर्णतः पूरे पूरे वीडियो देख रहे हैं। शिखा जैन, रौनक जैन, खुशी साहू, ये कई बच्चे ऐसे हैं जो हमने देखे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई वीडियो देख के कमेंट करता है। तो ऐसे ही और भी बच्चे हैं, उन सबके नाम हम सभी के नाम एक वीडियो में देंगे। ये बच्चे के नाम इसलिए क्योंकि हाईलाइटेड बच्चे थे। ठीक है, तो ये छठवां क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं अगला सातवां प्रश्न। देखे सातवां प्रश्न आपके समक्ष था, आप देख रहे होंगे कि दो की घात दो माइनस एक, इसको कैसे हल करेंगे अगर ऐसा आ गया। तो बिल्कुल सरल है, आप कर सकते, कोई कठिन नहीं है। देखिए, 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 4। ठीक है, 4 की घात 2, एक एक घात सॉल्व करते जाओ। 2 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 4। अब 4 की घात कितनी हो गई, 2, और फिर कितना हो गया, माइनस एक। अब 4 की घात 2 मतलब कितना हो गया आपका, 4 की घात 2 मतलब कितना हो गया, 16। 8 मत लिख देना, नहीं तो बहुत से बच्चे देखे हैं ऑफलाइन जब क्लास चलती है, हम पूछते 4 की घात 2 मतलब 8 सर, नहीं, 4 की घात 2 मतलब कितना होता, 4 × 4 = 16। अब 16 की घात कितनी हो गई, माइनस एक। 16 की घात कितनी हो गई, माइनस एक, और 16 की घात माइनस एक मतलब कितना हो गया, 1/16। 1/16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 1/16 इसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं आठवां प्रश्न, बहुत सरल है आठवां प्रश्न। अब कुछ लोग कहे 10 की घात x = 1, अब x बराबर क्या आएगा, अब कंफ्यूज क्या करें। ठीक है, तो इसको बिल्कुल सरल है। देखो ये की मिनट का लॉजिक है, 10 की घात x = 1 दिया है, तो 10 की घात x = 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 0 तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी की घात 0 होती है तो उसका मान 1। सर 10 की ही क्यों लिखा, 8 की क्यों नहीं लिखा, तो भैया यहाँ पे 10 ही तो था, अगर 8 होता तो 8 लिख देता, क्योंकि आधार समान करना है अपन। ठीक है, तो घात बराबर हो जाएंगी, यहाँ पे बराबर लगी है तो बराबर हो जाएंगे, तो इस कारण 10 की घात x = 10 की घात 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, x = 0। ठीक है, तो ये आठवां क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ अपन देखते हैं नौवां प्रश्न। अगला नौवां प्रश्न क्या है, देखते हैं x3/2 = 64। x3/2 = 64। तो ध्यान रखना, ये नया कॉन्सेप्ट है, x3/2 = 64। तो x = 64/2/3 लिख सकते, 2/3, क्यों, घात जब इस साइड जाएगी, घात इस साइड जाती तो ये पलट जाती है अंश हर में, हर अंश में। तो x = 64 कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब अपन हल कर लो, x = 64 की गुणनखंड कर लो, तो 64 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 6, और 2/3 घात है ये, 64 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6, और 2/3 अपनी घात है। तो अब x = 2 की घात 6 × कितना हो जाएगा, 2/3, 6 × कितना हो जाएगा, 2/3। तो अब 3 से अपन भाग दे दो, 6 में 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6, 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। तो 2 की घात 2 दूनी कितने हो गए, 4। तो x = 2 की घात 4, तो 2 की घात 4, तो 2 की घात 4 मतलब कितना हो गया, 2 की घात 4 मतलब कितना हो गया, 16। तो x का मान कितना निकल आया, 16। कितना इजी है, गणित सबसे सरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बस प्रैक्टिस मांगता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, ये अगला दसवां प्रश्न, x3/2 कितना दिया है, 16। तो ये इस टाइप का भी अपन ने नौवा किया था, कैसे करते हैं, ये घात उस पर अब ले जाएंगे, तो x = 16 की घात कितनी हो जाएगी, 3/2, 2/3 है, इस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो अब x = 16 की घात 3/2, अब 16 के गुणनखंड कर लो,
तो आप लोग अब गुणनखंड तो कर लेते होगे, तो 16 के गुणनखंड जाएंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 4। गुणनखंड कर सकते हो 16 को, तो 2 की घात 4 आ जाएगा और 3 बटे 2 घात है ही, तो x बराबर 2 की घात 4 गुणे 3 बटे 2, 2 की घात 4 गुणे 3 बटे 2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x बराबर 2 की घात कितनी हो जाएगी, 6, और x बराबर 2 की घात 6 मतलब 12 नहीं, 2 की घात 6 मतलब 64 होगा। कर लो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 64 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब आपको अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, अगर अभी भी समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम आज का आखिरी प्रश्न, अब इसके बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो देखते हैं 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, क्या दिया है हमारे लिए, दिया है क्या, दिया है a की घात x भाग का चिन्ह a की घात x माइनस 3 बराबर 27, a की घात x भाग a की घात x माइनस 3 बराबर 27। तो आप क्या करना है, आपको भाग में घातें घट जाती हैं, पता है a का मान निकालना है, तो इधर देखो आधार समान है, तो हमने नियम बताया था भाग में घातें घट जाती हैं, तो a की घात x माइनस 3 बराबर 27, a की घात x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 27। अब इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो a की घात क्या हो जाएगा, x माइनस x, और माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस, प्लस का 3 बराबर कितना हो गया, 27। x से x कट गया तो a की घात 3 बराबर 27, 27 के गुणनखंड क्या लिख सकते, 3 की घात 3, क्योंकि 3 त्रिका 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 दिया 27, 27 को क्या लिख सकते, 3 की घात 3, आधार ये घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, 3। यही आपका राइट आंसर है। एक बार पुनः, a की पावर x भागित a की पावर x माइनस 3 बराबर 27, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी, कोष्ठक में लिखना, क्योंकि दो पद दिए और आगे काय का चिन्ह लगा है, माइनस का, तो जब माइनस का लगाओ तो आगे वाली संख्या कोष्ठक में लिखी जाती है, बराबर 27, a की पावर x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 27, x से x कट गया, a की घात 3 बराबर 3 की घात 3, तो घात कट गई, तो ये बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा, तो ये घातांक के नियम थे आपके, इनसे आधारित आप कोई भी बुक उठा लो और क्वेश्चन हल करो, गारंटी है आपको प्रश्न बनेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी संस्था के सभी मेंबर और हम भी आपसे आग्रह करेंगे 1 से 50 तक के वर्ग याद करें, घन याद करें, जिससे कैलकुलेशन में बहुत कम समय लगेगा। और वीडियो को हम कह रहे हैं देखते रहोगे तो आपका फायदा अवश्य होगा, हमने कुछ बच्चों के नाम दिए, तो एक और नाम याद आ रहा है, एक प्रियांशी पटेल करके लड़की है, वो भी सारे वीडियो देख रही है, अभी आप बिलीव नहीं मानोगे वो कक्षा 12वीं में पढ़ रही है, लेकिन वो 12वीं के अलावा भी अन्य विषय के भी वीडियो देख रही है, क्यों, क्योंकि वो लॉकडाउन के समय का पूरा फायदा उठाना चाह रही, तो आप भी, आपको भी पूरे वीडियो देखना है, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा और अगले लेक्चर में हम आपका नाम जरूर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।